ये है 10 रुपए वाला पेन और ये है 15,000 रुपए का पेन। मेरी टीम ने अमेजोन से ऑर्डर करे है मेरे लिए कुछ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक के अजीबो गरीब पेन, जिन्हें आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कि इन अजीबो गरीब पेन के डब्बों में क्या निकलने वाला है। भाई क्या है ये सब? गाइस देखो, डब्बे तो बहुत सारे हैं जो आज हमें अनबॉक्स करते हैं, बट इन सबको साइड करते हैं और सीधा लाते हैं छोटे पैकेट। बड़ा धमाका तो नहीं लग रहा है मुझे भाई। ये यीमो का कोई तो पेन है, पता नहीं ऐसे लोहे की डब्बी तो ऐसे दिया जैसे कि किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए इसके अंदर रिंग आई हो। वैसे सही बताऊं तो एक्चुअल में एक रिंग दिख भी रही है भाई। ये क्या, ये रिंग है क्या? अच्छा नहीं, ये शायद से छल्ला है। पेन को हम लोग अपने की चेन की तरह लटका सकते हैं और ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज पेन है। तो नॉर्मली पेन का साइज ये होता है और ये बहुत ही ज्यादा छोटा पेन है। इसके अंदर रिफिल कैसे डली है यार? ये देखो, इसके अंदर छोटा सा इसमें पॉइंट ऐसे ओपन कर सकते हैं और देखते हैं काम करते हैं। आई ऑटोग्राफ देने के लिए चीज से ऑटो भाई, इसको ये अपना पर्सनल पेन हो गया आज से। तो नेक्स्ट अपने पास जो पेन है वो एक बस ब्लैक डब्बा है। इसे खोल के देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। एक सेकेंड भाई, ये हैरी पॉटर के जमाने वाला वो फाउंटेन पेन है और इसमें मुझे लिखने के लिए एक मिनट रुको, बांध के देवा ना, कटर होता है मेरे पास। ओ दिमाग की कमी की भाई, ये धागा यूं खुलेगा भाई। ये देखो, यूं धक्का मुक्की करने में लगे थे यार, ये तो पेन एकदम प्यार से बाहर आया। और क्या बढ़िया क्वालिटी का पेन है, ऐसे लग रहा है किताबें लिख दूंगा आज मैं 3-4, पर ये शायद से चलेगा नहीं क्योंकि ये फाउंटेन पेन है तो मुझे दिख रहा है। ये इसका स्टैंड है, बढ़िया क्वालिटी है। देखो इसका स्टैंड कितना बढ़िया, इस पेन को अगर तुमने लिखाई विखाई कर ली यूं रख। हम लोग इससे लिखने जा रहे हैं, टैटू बनाएगा तुम्हारा भाई। अभी इसके साथ में वैसे 2 हमें एक्स्ट्रा भी मिलेगी, कल को तुम्हें आता वाता नहीं तुम एक तोड़ दो तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा भी रहेगा। पर इसको साइड रखते हैं, बुक लाते हैं। यहाँ पे ऐसे डब्बी रख दो तुम अपनी, इसको ऐसे डुबकी करा दो, उम्मा की नहीं पूरा होगा इससे लिखने लग गया था। भाई बैंक के सिग्नेचर के मार रहा हूँ मैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस पेन से नहीं लिख पाऊंगा, लिखना तो छोटी बात है भाई, तुम्हारा भाई ड्रॉइंग बनाएगा। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक लैम्बोर्गिनी। चलो यार बहुत है, ये बूंद पता नहीं कहाँ से गिरी है, पेट्रोल लीक हो गया गाड़ी का। ठीक है यार, ड्राइंग इतनी तुम बेइज्जती मत करना, बस बना दी मैंने जल्दबाजी में। नेक्स्ट पेन पे चलते हैं। ये अब लाते हैं नेक्स्ट पेन जो कि है फिजेट पेन। पता नहीं भाई इस डब्बे के अंदर क्या होगा, काफी भारी सा डब्बा है। ओ भाई एक मिनट, ये क्या है? अभी सीधा पेन को खोलते हैं। ये भाई पेन ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये खेलने के लिए ही बना हुआ है। मैं समझ गया, ऐसे बहुत सारी मेटल बॉल्स हैं और पेन जो है ना ये टुकड़ों का है काफी, तो ऐसे खुलता चले जाता है, उसको तुम ऐसे साइड कर सकते हो। चल भाई इंक तेरा काम नहीं है, हम लोग इससे खेलने आए हैं बस। इसका हर एक पीस मैग्नेट ही है, ये देखो सब कुछ ही अलग होता जा रहा है और मैग्नेट से तुम लोग बॉल को कनेक्ट करके अपनी बस क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और ये देखो मैंने एक बॉल बनाई है क्रिकेट खेलने के लिए। अगर तुम्हारे फोन के साथ तुम्हें टच पेन नहीं मिला जिससे तुम फोन चला सकते हो तो तुम इससे बना सकते हो। तो ये है अपने पास एक पेन जो कि मैं जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा फोन का टच पेन। तो अगर मान लो मुझे भी फोन यूज करना है, चल तो रहा यार पर थोड़ा, तो मैं फोन यूज कर सकता हूँ, फोटो खींच सकता हूँ। ठीक है, काफी टाइम पास पेन है, मतलब कुछ करने के लिए ना ही हो ना तो तुम्हारा शायद थोड़ा बहुत टाइम पास कर देगा ये। गाइस नेक्स्ट पेन का डब्बा काफी घटिया सा है और इसको मैंने अभी तक इसलिए नहीं अनबॉक्स करा था क्योंकि मुझे काफी सस्ता नॉर्मल पेन लग रहा था, बट अभी मुझे मेरी टीम ने बताया कि ये पेन बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल पेन है पूरी दुनिया के लिए। कुछ तो खतरनाक निकलना चाहिए ना, इस डब्बे में कोई वेट है ना, पेन दिखने में कुछ खास है। ये क्या नॉर्मल पेन है यार, ये स्कूल में मिल जाते तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हाँ? खोल के देखोगे इसको? ओ भाई इस तरफ कुछ तो है। भाई लाइफ सेट फर रहे हो भाई, ये तो तू मतलब एग्जाम देने गए हो। ये वाला आता है। हाँ ठीक है, चलो एक मिनट रुको। चलो भाई नेक्स्ट पेन का डब्बा खोलते हैं और ये कुछ अजीब सा लग रहा है। कैसी सी पैकेजिंग में आया यार, कोई ब्लैक तरीके से पैक हुआ है, कोई ऐसा सिल्वर डब्बी में आया मेटल की, ये क्या? ये तो टट्टी है भाई, देखने में तो काफी बढ़िया सा है, बहुत सही क्वालिटी का, ये हाथ वाथ तो नहीं छील देगा। तो ये अपने पास है मेटल का, इस पे हम लोग कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा। वाई ये
इतना मेटल हमने छील डाला है। उसके बाद जो प्रिंट आउट निकला है वो है ये भाई। नेक्स्ट पेन बहुत ही ज्यादा कूल है और इसके बारे में कौन नहीं जानता भाई। ये एक स्पाई पेन है, मतलब इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है बहुत छोटा सा, जो कि पता भी नहीं चलेगा भाई देखने में। तो फटाफट से इसे भी खोलते हैं। मैंने इस पेन को एक बार पहले यूज करा हुआ है, बट ये उसका थोड़ा हाई क्वालिटी वर्जन वाला है और भाई भारी है काफी। तो देखो ये जो पेन है ना, ये एक्चुअल में काम करता है। देखो इसमें ये पेन है, पेन है, इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह का मिलता है। तो ये देखो ये खुल गया, ये यहाँ से चार्ज होता है, यहाँ पे ऊपर इसमें मेमोरी कार्ड डल जाता है और तुम इस बटन को टैप करके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो। और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है 1080p फुल HD जो कि ये एक्चुअल में देता है, इसका टेस्ट रिकॉर्डिंग मैंने करा हुआ, तुम देख लो भाई एक बार। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो देख रहे हो भाई, ये पेन से तुम लोग उन जगहों पे भी चीजें रिकॉर्ड सकते हो जहाँ पे तुम्हें परमिशन नहीं मिलती। भाई ये सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया पेन है, काफी छोटा सा है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, माइक भी है, तो कूल है काफी। चलो गाइस नेक्स्ट पेन है अपने पास। ये क्या है भाई, आगे पीछे इधर उधर कुछ लिखा ही नहीं है भाई। एक मिनट, ये पेन है या फिर गोल्फ है? ठीक, गोल्फ पेन है एक्चुअली। बहुत भारी भारी गोल्फ क्लब है और ये बहुत हैवी मेटल के यार लग रहे हैं। ये खुलता है क्या? ओ भाई ये पेन है, इस पेन से लिखने लगा ना भाई राइटिंग आएगी नहीं, इतना वेट है पीछे। वो कलर भी है बहुत ज्यादा ही, एकदम बटर की तरह चल रहा है एकदम। ये छोटी छोटी दो बॉल भी दिए इन्होंने। तो तुम्हें यहाँ लगाना है फ्लैग। अब तुम ऐसे रखो, देखो लेफ्ट वाले में गया तो 10 पॉइंट, राइट वाले में गया तो 20 पॉइंट। वोट डालो किस पे जाएगा। गया ही नहीं आज तो भाई, दिन हो जाए अगला यही करूंगा। ओ भाई फाइनली कर दिया, बस मुझे नहीं खेलना भाई। अब बारी है सबसे खतरनाक पेन की, जो कि है 15,000 रुपए वाला पेन। मैं सॉरी, 15,000 रुपए टूटना नहीं चाहिए यार। तो इस पेन का नाम है हवा पेन। ओपन करते हैं कि भाई इसका बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है यार सही में। और पेन ये है भाई, क्या पेन है यार ये। तो इसके साथ मुझे ना ये एक स्टैंड मिला है, जो भाई ये क्या भारी है यार इसका वेट। भाई इसका वेट आधा किलो तो नहीं, बट 300-400 ग्राम के आसपास का है, काफी भारी है। तो मुझे ना इसके बीच में पेन रखना है। हाँ यू, ओ भाई मैगनेट, सारा मैगनेट है। ये देखो पेन जैसे छोड़ा था वैसे ही है, मतलब कहीं से वो टिकेगा नहीं, क्योंकि शायद से साइड में सारा नेगेटिव मैग्नेट है और ये पॉजिटिव है, तो इसे इधर उधर गिरने नहीं दे रहे। मैं जैसे इसे छोड़ूंगा ना यूं रख के, ये ऐसे रुक जाएगा। पेन टेस्ट नहीं करा मैंने, बटर लेवल स्मूथ है यार बिल्कुल। ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, बस इसका जो स्टैंड है और जिस मटेरियल से ये बना है वही बहुत खास है। तो देखो ये थे अपने पास सारे पेन जो मैंने आज अनबॉक्स करे हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा फेवरेट लग रहा है नीचे कॉमेंट में जाके जरूर बताओ। ठीक है, तुम्हारे पास है 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। खैर आज की सारी वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं, कर दोगे 2 लाख, कर दोगे चलो 2.5 लाख, 2.5 लाख लाइक का है। मुझे पता है अभी तुम नहीं करोगे, बट कर देना। तो तुम्हें इस टाइप का टैग यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो जाओ नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन भी ठोक डालो। बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाले फ्यूचर में। फिलहाल आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।